हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेज एंड जॉब्स टेलिंग में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च गुवाहाटी से, और यहाँ पर इन्होंने आर ए की वैकेंसीज को निकाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च गुवाहाटी से आया है, जो कि एक डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टली कि ऑनलाइन इंटरव्यूज फॉर प्रोजेक्ट पोजिशन। तो यहाँ पे आपको जो लाइक वैकेंसीज मिलेंगी वो प्रोजेक्ट पोजीशंस में मिलेंगी, और ये जो नोटिफिकेशन है 1 मार्च 2021 को रिलीज किया गया है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी पोजीशंस दे रखी हैं वो अंडर वेरियस प्रोजेक्ट्स में हैं, और जिन पोजीशंस के लिए जो इंटरव्यू होगा ये ऑनलाइन मोड से होगा, और ये जो इंटरव्यू की डेट भी इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखी जो कि 19 मार्च 2021 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं RA1 की वैकेंसी है, तो RA1 का यहाँ पे ग्रेड आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 47,000 रुपीज़ मिलेंगे पर मंथ प्लस 16% HRA। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे जो है नेम प्रोजेक्ट का वो भी मैंसन कर लिया है, कर रखा है, और जो स्पॉन्सर एजेंसी वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेम ऑफ प्रोजेक्ट है वो नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी है, और जो ये अपॉइंटमेंट है इट विल बी ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर इनिशियल अप टू 1 ईयर एंड इट मे एक्सटेंडेड। तो इन्होंने यहाँ क्लियरली मैंसन कर लिया कि ये मिनिमम ये 1 ईयर का प्रोजेक्ट रहेगा, उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस सही लग रहती है या प्रोजेक्ट अगर एक्सटेंड होता है तो आपको और भी ज़्यादा टाइम यहाँ पर मिल सकता है। तो अगर बात की क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे आपको PhD होना चाहिए केमिस्ट्री में, ये एसेंशियल पोजीशन लाइक क्वालिफिकेशन है, और PG आपका होना चाहिए यानी कि मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 60% मार्क। डिजायरेबल यहाँ पे है कि आपका अगर रिसर्च एक्सपीरियंस है इन द एरिया ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस, और अगर आपकी पब्लिकेशन है इस फील्ड में तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाए। इसके अलावा यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है, जिसके इन्होंने यहाँ मैसेज कर रखा है कि अगर आपकी पब्लिकेशन साइंस इंडेक्स जर्नल में एज ए फर्स्ट ऑथर तो आपको यहाँ पे जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करने पे आपको JRF की पोजीशन भी यहाँ देखने को मिलेगी, जिसका पे आपको मिलेगा 31,000 पर मंथ प्लस 16% HRA। और यहाँ पे आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी PG होनी चाहिए, M Pharma होना चाहिए, MS फार्माकोलॉजी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने नेट यूज CSI यूज नेट या गेट क्वालिफाई किया है, ये कंपलसरी है, तभी आपको जो JRF का अमाउंट मिलेगा। और जो सिलेक्शन प्रोसेस हो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सर DBT DST ICMR IIT ISA ISR ETC, तो यहाँ पे 2 जो है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इनमें से आपका एक होना जरूरी है। इसका डिजायरेबल यहाँ पे मांगा है कि एक्सपीरियंस इन एनिमल हैंडलिंग सेल कल्चर वर्क एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स लाइक वेस्टर्न ब्लॉटिंग फ्लो साइटोमीटर कन्फोकल माइक्रोस्कोप, अगर ये सब टेक्निक्स में आप एक्सपर्ट है तो आपको यहाँ पे जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। दूसरी पोजीशन और निकाली है JRF की, और यहाँ पर भी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी सेम है, और जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ मेंशन करा कि आपको UPLC या MS-MS जो है वो अगर आपको आता है तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर की भी पोस्ट को निकाला गया, जो कि आप अगर इसका लाइक स्टाइपेंड देंगे तो यहाँ पे आपको 50,000 पर मंथ मिलेगा। यहाँ पे नेक्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर स्पॉन्सर्ड बाई DBT BioRack। यहाँ पे एसेंशियल जो डिग्री है वो आपकी PhD इन केमिस्ट्री होनी चाहिए या लाइफ साइंस होना चाहिए, और आपका मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपकी यहाँ पे एज इन्होंने 40 ईयर्स से कम होनी चाहिए। अगर बात यहाँ पे टेक्निक्स की, तो यहाँ पे आपका HPLC LC-MS या GC अगर आपको यहाँ पे हैंडलिंग है आपकी तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा डिजायरेबल है कि अगर आपने पोस्ट डॉक किया है, स्टार्टअप कंपनी में आपने जॉब किया है या कोलेबरेटिव रिसर्च वर्क आपने किया है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट की भी वैकेंसीज को निकाला गया है, नेक्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर स्पॉन्सर्ड बाय DBT BioRack, और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर डिग्री बॉटनी में होनी चाहिए विद 2 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, और यहाँ पे एज लिमिट 30 ईयर्स मेंशन कर रखा है। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको अगर लाइक इंटरेस्टेड है इन पोजीशंस में तो आप जो है अपना जो फॉर्म है उसका फॉर्मेट इन्होंने इस वेबसाइट पर मेंशन कर रखा है www.naipurguwahati.ac.in पर। तो यहाँ पे जाके आप उस एप्लीकेशन फॉर्मेट को देखिए, उसको उस फॉर्मेट में अपना जो भी एप्लीकेशन उसे भरिए, ठीक है। फ्रॉम 11 AM ऑन 1 मार्च टू 5 PM ऑन 15 मार्च, तो 1 मार्च 15 मार्च के बीच जो है आप अप्लाई कर सकते हैं इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, ठीक है। इसके अलावा कुछ और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दूं, तो यहाँ पे देखिए एज जो है आपकी कैलकुलेट की जाएगी एज ऑन 15 मार्च 2021,
और अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपके जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट में जो है वो अपलोड कर दी जाएगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे 1 दिन पहले, ठीक है। और जो भी शॉर्टलिस्ट हुए उन्हें सेपरेटली जो है यहाँ पे लिंक जो है वो सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके डिस्कस कर लिए, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।